यार आईपीएल में पता नहीं इस बार सेंचुरी काहे इस तरह लग रही भाई। सेंचुरी यार मतलब कुछ हलवा है भाई T20 क्रिकेट पे यार। जैसे प्रभु सिमरन सिंह आज पंजाब और दिल्ली के मैच में भाई शतक मारा यार, 104 रन यार 65 बॉल खेल के, बॉल ज्यादा खेले लेकिन भाई सेंचुरी बहुत बड़ी बात। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट विद रिस्केस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब मैच की, जिसमें दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीत के दोस्तों बैटिंग नहीं बॉलिंग लेता है भाई। बॉलिंग में यार रहता बहुत मस्त भाई, पावर प्ले में बहुत मस्त बॉलिंग करता है, 47 में 3 विकेट गिरा देता है। लेकिन उसमें प्रभु सिमरन सिंह भी बहुत मस्त मैच खेले थे भाई। शिखर धवन 7 रन बना के आउट हुए उनको, ईशांत शर्मा आउट किया। ईशांत शर्मा भाई 100वां IPL मैच खेले थे आज का, जिसमें शिखर धवन ने पहले बॉल पर तो छक्का मारे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ईशांत शर्मा का लुक ऐसे देखने वाला था कि यार छक्का मार दिया, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो लेकिन दूसरे बॉल में भाई शिखर धवन फ्लिक करके आउट हो गए, कैच मार दिया। अब फिर लियाम लिविंगस्टन जैसा मॉन्स्टर तूफान आता है, तूफान तो है लेकिन आज के मैच में तूफानी पारी आज नहीं खेल पाता, उसको ईशांत शर्मा ने बोल्ट मार दिया भाई। सोचने के बाद लियाम लिविंगस्टन को बोल्ट मारो, और कोई प्लेयर है तो मान नहीं सकता, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई भाई। लियाम को बोल्ट मारा भाई, गजब। ईशांत शर्मा की आज बॉलिंग था, 100वें मैच में विकेट लेके गए। और भाई बात करने होगी प्रभु सिमरन सिंह की, शतक मारा भाई, शतक जैसे लग रहा है इस साल के IPL में कॉमन हो चुका है, हर यंगस्टर शतक मार रहे हैं। और जो लेजेंड क्रिकेटर उनसे सेंचुरी लग ही नहीं रहा, यंगस्टर जैसे SSV को देखिए, चाहे प्रभु सिमरन सिंह को देखिए, चाहे कोई भी दूसरे प्लेयर हो यार, रिंकू सिंह को देखिए, शतक नहीं मारे लेकिन बहुत मस्त पारी खेले। इस IPL लग रहा है यंगस्टर की पूरी पारी है, चाहे बॉलिंग में देख लीजिए कोई भी प्लेयर की, यश दयाल की देखिए, 5 खाए लेकिन बॉलिंग अच्छा किया भाई। और उसके बाद देखिए इनको, यश सिंह को देखिए, कोई भी बॉलर को देखिए, अर्शदीप सिंह को देखिए, चाहे कोई भी बॉलर को देखिए, लेकिन बॉलिंग मस्त की इस साल की यंगस्टर भाई, बॉलिंग मस्त किया, बैटिंग में बहुत मस्त कर इस साल पूरा IPL जैसे लग रहा है कि यंगस्टर का IPL। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर बात करते हैं दोस्तों पंजाब के और बैटिंग की, 167 रन बनाए भाई, शतक वही प्रभु सिमरन सिंह ने बनाया। उसके बाद पंजाब की कोई बैटिंग चली नहीं, सैम करन जैसे इंग्लैंड हमेशा फ्रॉड करती है BCCI और IPL के साथ, उसी तरह सैम करन भी आज फ्रॉड के 24 बॉल में 20 रन बनाए, एक विकेट मात्र लिया भाई, 18.5 करोड़ पैसा बर्बाद भी नहीं, स्टोक समझ लीजिए। जिस तरह सैम करन खेल रहे थे टुक 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 कर करके खेल रहे थे, क्योंकि जैसे लग रहा था कि उनको खेलने का इंटेंट ही नहीं है, बॉल मार ही नहीं रहे, एकदम ठुकुर ठुकुर कर रहे थे। और भाई बात कर रही होगी यार इनकी बॉलिंग की, दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग बहुत मस्त रही, शांत शर्मा 2 विकेट, अक्षर पटेल ने भी विकेट लिया, ललित किरीपाल पटेल ने भी विकेट लिया, सब विकेट लेते लेते गए। लेकिन भाई लास्ट में दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग चेस नहीं कर पाए, 6 ओवर में बहुत अच्छे रन थे, 70 रन बन चुके थे 6 ओवर। डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट की साझेदारी गजब की थी भाई, डेविड वार्नर जैसे लग रहा था आज मैं मारने आया हूँ, सिर्फ टुकुर टुकुर करने नहीं आया, सिर्फ मारने आया, जिस तरह आज वो खेल रहे थे लेकिन मैच नहीं जीता पाए। 27 बॉल में 57 रन मारा आई, ऐसे तो 23 बॉल में 50 बना लिया था, फिर 5 बॉल में 4 बॉल में 7 रन बनाया, लेकिन पारी बहुत मस्त खेली डेविड वार्नर ने। हरप्रीत बरार पंजाब के बॉलर ने 4 विकेट उन्होंने लिया भाई, गजब। पहले ओवर में तो पिटा गए थे लेकिन दूसरे तीसरे चौथे ओवर में विकेट लेके गए भाई, 4 विकेट यार, स्पिनर की पिच थी समझ लीजिए, मतलब क्या कि दिल्ली की कैपिटल्स की भी बॉलिंग में अक्षर पटेल विकेट लेके गए, इस बार अक्षर पटेल का बल्ला नहीं चला। राहुल चहर की भी बहुत मस्त बॉलिंग थी, 2 विकेट राहुल चहर ने भी लिया भाई, हरप्रीत बरार 4 विकेट और नेथन एलिस ने भी 2 विकेट, इंपैक्ट प्लेयर में आया था, 2 विकेट लेके चले गए भाई, गजब की बॉलिंग थी भाई पंजाब की। और दिल्ली की बैटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ना मिचेल मार्श चले, ना रिसु चले, ना मनीष पांडे, तो गोल्डन डक पे आउट हो गए भाई। उन लोगों को पता नहीं काहे खिला रहे हैं यार, समझ रहे हैं मनीष पांडे इस तरह काहे फ्लॉप होता जा रहा है, पता नहीं यार, एक लेजेंड था भाई मनीष पांडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक धोनी थे, और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया मनीष पांडे को कि उनके बैट्स रन ही नहीं निकल रहे भाई। मनीष भैया मारिए यार, आप लोग लेजेंड क्रिकेटर हो, आप सब यार शतक मार चुके वनडे क्रिकेट में, चाहे T20 में तो IPL में मारा है, लेकिन भाई आप लेजेंड हो यार। और बात करें तो दिल्ली की बॉलिंग की भी, तो ईशांत शर्मा ने 100वें मैच में 2 विकेट लिया, शिखर धवन ने लियाम लिविंगस्टन को आउट किया, लेकिन मैच यार दिल्ली रन चेस में पीछे हो गए भाई, वो कोई का कोई प्लेयर चला ही नहीं, सब प्लेयर तो आते और चले जाते, आते और चले जाते, तो जीतता कैसे दिल्ली, अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली मैच हार चुका है यार, और दिल्ली बाहर भी हो चुका है, पंजाब ने उसको बाहर कर दिया, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। प्रभु सिमरन सिंह के रन ने उनको बाहर कर दिया, प्रभु सिमरन सिंह भाई जितनी तारीफ करे कम है भाई, मैच में दूसरा पहला और शतक मारा था राजस्थान के खिलाफ, फिर दूसरा आज सेंचुरी मारा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में, शिखर धवन के बैट से रन निकल गया, हम लोग मनाते कि रन मारेंगे तो वनडे में
डेब्यू करेंगे, वनडे में कमबैक करेंगे, डेब्यू तो कर चुके लेजेंड क्रिकेटर शिखर धवन, उनके बैट्समैन आने निकले तो कौन मारेगा यार शिखर धवन को। मैं चाहता हूँ यार वनडे वर्ल्ड कप खेले और जीते भाई। सही बात है, आप क्या चाहते हैं आप कमेंट में जरूर बताइए, और मेरी ये बात सही है कि नहीं भाई जरूर आप कमेंट में बताइए। शिखर धवन भैया यार साथ, अब दो मैच बचे, दो मैच में यार शतक तो एक दिखा के जाओ, शतक पक्का दिखा के जाना भैया यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, प्लीज यार रिक्वेस्ट हम लोग फैंस के यार। शिखर धवन यार प्लेयर आप बहुत मस्त है यार, आपकी वजह से मैं भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन तब भी आपको बहुत चाहता हूँ भाई, लेफ्टी हूँ या लेफ्टी को ही चाहूंगा, लेकिन मेरे फेवरेट विराट कोहली। आप कमेंट में जरूर बताएगा आपके फेवरेट कौन से, और ऐसे तो सुरेश रैना, शिखर धवन है, ऋषभ पंत है, सब तो फेवरेट ही रहते हैं भाई, लेकिन शिखर धवन भैया बैट से रन मारिए, और कप्तानी आप बहुत मस्त किए, बॉलर को कैसे आपको यूज करना सब अपने यूज किया, हरप्रीत बुमराह को, जैसे सैम ग्रंथ तो हमेशा फ्लॉपी रहते हैं, जैसे इंग्लैंड के प्लेयर हमेशा धोखेबाज होते हैं। चाहे देखिए जॉस बटलर को, चाहे देखिए जोफ्रा आर्चर को, चाहे क्रिस जॉर्डन को देखिए, चाहे देखिए इनको जो बेन स्टोक को, आराम से 8 से बैठ के मजे ले रहे हैं, 16 करोड़ बेन स्टोक लूट लिए, जोफ्रा आर्चर 8 करोड़, जॉस बटलर 8 करोड़, सैम करन 18.5 करोड़, पैसा ही पैसा हो गया, लेकिन किसी के बैट से रन नहीं निकला, और ना बॉलिंग अच्छी की, एकदम पैसा बर्बाद बेन स्टोक्स, किस वजह से पता नहीं आईपीएल टीम ओनर्स इतना पैसा लगाते हैं, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। ऊपर से जोफ्रा आर्चर को बोलिंग के साइन करने वाली है, दस आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो बेहतर ही है कि जोफ्रा आर्चर खोपड़ा और उनको डिपार्चर शिफ्ट किया जाएगा जोफ्रा आर्चर को। खैर मैच पंजाब जीत गया, दिल्ली कैपिटल्स को बाहर कर दिया गया है, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पहला ऐसा टीम है 2023 का कि जो पहले बाहर हो चुके, ऋषभ पंत की बहुत खल रही है हम लोग यार, जो ऋषभ पंत नहीं आ रहे ना मैच फिनिश नहीं कर रहे हैं वही हम लोग बहुत खल है भाई, ऋषभ पंत आते थे मैच फिनिश करके जाते थे यार, ऐसा कोई मैच नहीं रहता, अगर ऋषभ पंत की विकेट रहती ना तो पक्का वो मैच जीतना है जीतना था। ऋषभ पंत भाई आप जल्दी से जल्दी कम बैक करो, आरसीबी की गांड फाड़ो। आर यू कॉमेडी मी? और दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताओ, और अगले साल आओ तो आईपीएल ट्रॉफी भी जीतो भाई। तो फिर मैं अगले वीडियो में दोस्तों पंजाब मैच जीत चुकी है, तो बाय बाय दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए कुछ नहीं लेकिन हम लोग के लिए बहुत कुछ है, हम लोग को हेल्प मिलती है भाई, पैसे की मिलती है। पैसा ही पैसा हो गया, अभी तो नहीं मिलेगा लेकिन कीजिए सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी मिलेगा, तो अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे, क्योंकि मेरे पास ना कैमरा है ना कुछ भी है, कैमरा तो मोबाइल वाला है, ऐसे कैमरा डीएसएलआर नहीं है, तो जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।